हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली लस्सी का रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, देख लेते हैं कैसे बनाना है। एक ब्लेंडर जार लिया है हमने, सारे इंग्रेडिएंट्स को सामने ही रखिए। पहले हम दही ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे लगभग 3/4 कप दही लिया है, उसमें हम कुछ बर्फ के क्यूब्स ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। चीनी को पीस लेना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आपको लस्सी ब्लेंड करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो पिसी हुई चीनी इसीलिए हमने यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे लगभग 3 टेबलस्पून यूज़ किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम ऐड कर देंगे लगभग 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। फिर हम गुलाब जल ऐड करेंगे, लगभग 1 टीस्पून ऐड किया है, आप 1 से 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंड कर लेंगे। आप अगर चाहें तो हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं दही को फेंटने के लिए। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आप लस्सी बना सकते हैं, और नहीं तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। हम ब्लेंडर को कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे, फिर रोक देंगे। ऐसे 2-3 बार हम करेंगे तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा लस्सी। फुल रिटर्न रेसिपी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.labrecipes.com विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लस्सी को सर्व करने के लिए हम एक ग्लास लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा ग्लास यूज़ किया है। उसमें पहले हम लस्सी को पोर कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने काजू और पिस्ता को यूज़ किया है। काजू पिस्ता को मैंने 10 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद छिलका निकाल के लंबा लंबा काट लिया है। उसी को मैं लस्सी के ऊपर गार्निश कर लूँगी। उसके बाद आप गुलाब की जो सूखी पत्ती होती है उससे भी आप गार्निश कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे घर की जमी हुई मलाई। आप बाज़ार से ख़रीदा हुआ फ्रेश क्रीम बिल्कुल ऐड मत कीजिए, ये लस्सी के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। आपके पास ये जमी हुई मलाई है तो आप ऐड कीजिए। देखिए हमारा लस्सी कितना झटपट बन गया, बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और ऐसे और भी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।